उन्नाव से खबर है, निलंबित डीएम देवेंद्र पांडे को ईओडब्ल्यू ने दोषी माना है। कंपोजिट ग्रांड घोटाले की जांच में देवेंद्र पांडे दोषी पाए गए हैं। देवेंद्र पांडे कंपोजिट ग्रांड घोटाले में निलंबित किए गए थे। ईओडब्ल्यू ने शासन से एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी है। फरवरी 2020 को उन्नाव में कंपोजिट ग्रांड घोटाला हुआ था। देवेंद्र पांडे की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था और अब शासन को जो रिपोर्ट भेजी गई है एफआईआर दर्ज करने की बात उसमें सामने आ रही है। तो निलंबित डीएम देवेंद्र पांडे को ईओडब्ल्यू ने दोषी माना है। कंपोजिट ग्रांड घोटाले की जांच में देवेंद्र पांडे जो है दोषी पाए गए हैं। हमारे सहयोगी गगन इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। गगन, देवेंद्र पांडे दोषी पाए गए हैं, ईओडब्ल्यू ने दोषी पाया है, अब कैसे आगे जांच चलेगी और कैसे इनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी? सिफारिश तो कर दी गई है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। देखिए, बिल्कुल, जब फरवरी के महीने में ये पूरा घोटाला सामने आया था कि कंपोजिट ग्रांड के नाम पर जिस तरह से देवेंद्र पांडे ने पूरी तरह से अमिताभ बरती थी, जमकर पैसे डकाने थे, उसी के बाद ही उनको निलंबित कर दिया गया था और पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। ईओडब्ल्यू ने जांच की, देवेंद्र पांडे से पूछताछ की और पूछताछ में सामने आया कि करीब 9,73,00,000 रुपए जो स्कूलों के लिए, जो विद्यालयों के लिए, जो छात्रों के लिए चौक आनी थी, उनकी किताबें आनी थी, उनकी मेज कुर्सियां आनी थी, उनके नाम पर देवेंद्र पांडे ने अपनी एक पहचान की फर्म पर से सामान खरीदा और 10 रुपए का सामान 50 रुपए में खरीदा और तमाम वो अमिताएं बरती गई। उसी को लेकर ईओडब्ल्यू ने इनसे पूछताछ भी की थी। जब सब कुछ सामने आ गया और ईओडब्ल्यू को लग गया कि देवेंद्र कुमार पांडे पूरे मामले में दोषी हैं, तो अब शासन को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा है कि देवेंद्र पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, वो भी कुछ संगीन धाराओं पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए सिफारिश की है। गगन, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र पांडे ही दोषी पाए गए हैं, क्योंकि जब कोई ऊपर का अधिकारी जुड़ा रहता है, इस तरह का मामला होता है घोटाले का, तो और भी लोगों की संलिप्तता होती है। अभी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें जो शासन को रिपोर्ट भेजी गई है ईओडब्ल्यू के द्वारा, उसमें सिर्फ देवेंद्र पांडे नहीं, देवेंद्र पांडे के साथ साथ उस समय तत्कालीन बीएसए का भी नाम सामने आ रहा है, बीएसए और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सीधे तौर पर इस चीज में संलिप्तता थी। जो सामग्री खरीदनी थी उसमें एक क्लर्क से लेकर डीएम तक जितने भी उस चेन में आते हैं उन तमाम लोगों के नाम हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि देवेंद्र पांडे जो डीएम होता है तत्कालीन, जो भी जिले का डीएम होता है, उसी के सिग्नेचर से ये सब सभी सामान खरीदे जाते फेस हैं। बनकर ये सामने नहीं आते हैं, भले कह सकते हैं कि साजिश इनकी तरफ से रची जाती है और ये बता देते हैं कि आपको कहां से सामान खरीदना है, कितने दाम पे मिलेगा, किस तरह से कागजात होंगे और फिर डीएम उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन टॉप टू बॉटम एक चेन बनी रहती है कि कैसे कैसे पैसे जाने और कैसे कैसे घपलेबाजी होनी है। अब जब एफआईआर के लिए गगन सिफारिश कर दी गई है, तो किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं देवेंद्र पांडे की? देखिए, देवेंद्र पांडे फिलहाल तो निलंबित ही हैं और उनको निलंबित रखा गया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि कोई भी अधिकारी निलंबन से तो फर्क नहीं पड़ता गगन, इन लोगों को इतना कमा चुके होते हैं कि निलंबन तो इनके लिए एक बहाना हो जाता है। बिल्कुल सही, इनको निलंबित करने के बाद ही जांच बैठाई गई थी क्योंकि अब जांच पूरी हो गई है और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया, तो ये माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्योंकि आपराधिक कुछ धाराएं होनी है, जो आपराधिक मामला होती है, तो वो धाराएं अगर एफआईआर दर्ज होती है तो देवेंद्र पांडे गिरफ्तारी तय है। और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंशा भी साफ कर दी है कि अगर अधिकारी कोई भी घोटाला करेगा तो उसको जेल जाएगा और जेल जाना तय है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र पांडे की गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए।